ट्रेंडिंग प्लेसेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको माल्टा कॉमिनो के द्वीपों से रूबरू कराएंगे। कॉमिनो, जिसे पहले इफेटिया कहा जाता था, भूमध्य सागर में माल्टा और गोजो के द्वीपों के बीच माल्टीज द्वीप समूह का एक छोटा सा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 3.5 वर्ग किलोमीटर है। माल्टा और गोजो के द्वीपों के बीच एक बहुत छोटा और काफी शांत द्वीप है, जिसे कॉमिनो कहा जाता है, जिसे माल्टीज में केमुना के नाम से भी जाना जाता है। द्वीप पर केवल कुछ ही लोग रहते हैं और माल्टीज नागरिक और पर्यटक दोनों आम तौर पर एक दिन के भ्रमण के लिए वहां जाते हैं। अधिक साहसी माल्टीज के लिए पूरे द्वीप में कैंपिंग या दिन की बढ़ोतरी के लिए कॉमिनो अक्सर मान की जाने वाली जगह है। कॉमिनो, जिसे जीरा एक खिलता हुआ पौधा की प्रचुरता से अपना नाम मिला, जो वहाँ रहता है, जंगली फूलों और जड़ी बूटियों से आच्छादित एक रसीला द्वीप है। आज पूरे द्वीप को एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है। खड़ी चट्टानों, दो छोटे रेतीले समुद्र तटों, खाड़ियों और गहरी गुफाओं के साथ एक समुद्र तट के साथ द्वीप मुख्य रूप से एक चट्टानी जंगल है, जो अपेक्षाकृत अविकसित है। और निश्चित रूप से कॉमिनो द्वीप अपने नीले रंग के पानी और क्रिस्टल क्लियर परिवेश के साथ प्रसिद्ध ब्लू लैगून बे के लिए प्रसिद्ध है। कॉमिनो केवल 2 किलोमीटर लंबा और 1.7 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें किसानों की एक छोटी आबादी है, कोई पक्की सड़क नहीं है और कुछ कारें हैं। यदि आप अपनी छुट्टी के दौरान शांति और शांति की तलाश में हैं, तो द्वीप एक अद्भुत दिन यात्रा गंतव्य है, जो अपने पड़ोसी द्वीपों माल्टा और गोजो से गति का कुल परिवर्तन प्रदान करता है। ब्लू लैगून कॉमिनो का प्राथमिक ड्रॉ है और वहां यात्रा करने का प्रमुख कारण है। पर्यटकों के बीच इसकी उच्च स्तर की लोकप्रियता के कारण जुलाई और अगस्त के चरम महीनों में मध्य सुबह से मध्य दोपहर तक लोगों की भीड़ रहती है। यदि आप पूरे द्वीप जुलाई अगस्त और आमतौर पर सितंबर अभी भी के दौरे में अधिक रुचि रखते हैं, तो ऑफ पीक सीजन जाना बेहतर है। चिलचिलाती धूप की वजह से नहीं, बल्कि भीड़ की वजह से। इतनी कम छाया के साथ दिन के उस समय सड़कों पर निकलना अप्रिय था। आशा है आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे सभी वीडियो देखते रहें।